नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए लव स्टोरी वीडियोज़ में। हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा हम अक्सर इस चैनल पर बेहतरीन लव स्टोरीज और सच्ची प्रेम कहानियों के वीडियो लाते रहते हैं, लेकिन ये एक छोटी सी कहानी कुछ खास है। यह कहानी खास इसलिए है क्योंकि इस कहानी में कुछ अलग है, कुछ नया है। इस प्रेम कहानी में गरीबी और अमीरी के मतभेद को मिटाते हुए मोहब्बत का एक ऐसा उदाहरण है जो इस दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर रेगुलर मोटिवेशनल वीडियोज़, लव स्टोरी वीडियोज़ और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहते हैं। एक अमीर लड़के को एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की बहुत सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी समझदार थी। एक दिन जब लड़के ने उस लड़की को बताया कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो लड़की ने कुछ सोचने के बाद उस लड़के को शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह गरीब परिवार से थी। लेकिन उस लड़के ने उस लड़की के माता पिता से बात की और उस लड़की को समझाया। काफ़ी समझाने के बाद वह लड़की मान गई और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद लड़का उसे बहुत प्यार करता था, दोनों का जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की को चर्म रोग हो गया, जिसके कारण उसकी खूबसूरती ढलने लगी। अब लड़की को यह डर सताने लगा कि उसकी खूबसूरती ढलने के कारण कहीं उसका पति उसे छोड़ न दे। लड़की उस चर्म रोग को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। समय बीत रहा था और लड़की की खूबसूरती धीरे धीरे ढल रही थी। एक दिन वह लड़का एक काम से दूसरे शहर गया। लड़का जब वहाँ से वापस आ रहा था तो उसके रास्ते में एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। उस दुर्घटना के कारण लड़के की आँख की रोशनी चली गई। इस दुर्घटना के कुछ समय बाद उनका जीवन फिर से सामान्य और सुखी बीतने लगा। वह लड़की चर्म रोग की वजह से दिन प्रतिदिन कमज़ोर और बदसूरत होती गई, लेकिन पति अंधा होने के कारण उनका जीवन ठीक चलता रहा और दिखाई न देने के कारण वह लड़का उससे पहले की तरह प्यार करता रहा। कुछ सालों बाद बीमारी के कारण उस लड़की की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद वह लड़का अंदर से दुखी हो गया और वह शहर छोड़कर जाने लगा। तभी उसके पड़ोसी ने उससे कहा, अब आप तो अपने पत्नी के बिना अकेले पड़ जाएंगे, अब आपका जीवन काफ़ी मुश्किल में होगा, क्योंकि वह आपका बहुत ख्याल रखती थी। तब उस लड़के ने अपने पड़ोसी की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कभी अंधा था ही नहीं, लेकिन मैं यह सोचकर अंधे होने का नाटक करता रहा कि कहीं मेरी पत्नी को उसकी बीमारी और उस बदसूरती के कारण यह ना लगे कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं इतने सालों तक बिना कुछ कहे अपनी पत्नी की खुशी के लिए अंधा बना रहा। यह सुनकर पड़ोसी की आंखों में आंसू आ गए और वह लड़का वहाँ से चला गया। दोस्तों, अगर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं तो आप लोगों की कमियों की तरफ ही नहीं, उनकी खूबियों की तरफ भी गौर करिए। आपका जीवन आसान हो जाएगा।